हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बैटरी बूस्टर के बारे में बताने वाले हैं। आज के वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि बैटरी बूस्टर जो है आपको कौन सा लेना है, बहुत वैरायटी के आते हैं, तो इसमें आपको कौन से आपके लिए सही होगा तो आज के वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, कुछ इस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग होता है इस तरफ, और यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा जो है इस तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं, ये लैपटॉप मैंने रखा है, इधर साइड में प्रिंटर है जो कि अभी ऐसे ढक के रखा हुआ है क्योंकि ये सुबह का टाइमिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं मोबाइल रिपेयरिंग करता हूँ, तो कुछ इस प्रकार से हमारा सेटिंग है। यह देखिए, यहाँ पे मैक्स पम्मा का मैंने एक मशीन रखा हुआ है, SMD मशीन है। यहाँ पे देखिए पावर सप्लाई मशीन है, और यहाँ पे मैंने बोर्ड ये अपने हिसाब से मैंने बनवाया था इसको। तो यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा ये नीचे दराज है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये इसी पे मैं मोबाइल रिपेयरिंग करता हूँ। और यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा जो दुकान है, और इस तरह से मैं इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग करता हूँ, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान रिपेयरिंग करता हूँ। तो आज के वीडियो में बैटरी बूस्टर के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बैटरी बूस्टर है, कुछ इस प्रकार से इसकी पैकिंग आती है। और यहाँ पे देखिए, हम थोड़ा देख लेते हैं इसमें, यहाँ एंड्रॉयड लिखा हुआ है, स्मार्ट लिखा हुआ, चाइनीज में भी कुछ लिखा हुआ है इस प्रकार से। और यहाँ पे देखिए W207 प्रो, ये मॉडल नंबर इसका हो गया है। और इसमें यहाँ पे देखिए स्मार्ट फास्ट लिखा हुआ है, और ये बैटरी बूस्टर है। और यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से ऊपर से ही ये लोगो दे दिया हुआ है। और कुछ बैग में हम देख लेते हैं, बैग में आपको सुपर फास्ट लिखा हुआ मिल जाएगा। और ये जो दिख रहा है आपको 405, ये बैटरी का, जैसे हम चार्जिंग लगाते हैं उसके पॉइंट बताते हैं, जैसे मैं टेक्निकल करके दिखाने वाला हूँ आपको। और ये 203 करके ये बैटरी का पॉइंट है, कितना हमारा बढ़ रहा है। ये आईसी इसमें लगे हुए हैं। और चलिए हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखिए, खोलने के बाद कुछ इस प्रकार से हमारा दिख रहा है। तो यहाँ पे ये एक बैटरी बूस्टर हमें मिल जाता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे जीक लगे हुए हैं, जो कि ये बैटरी को कनेक्ट करता है। बैटरी कनेक्टर जैसे मोबाइल में होते हैं उस प्रकार से है। और इसमें भी कई सारे मॉडल आते हैं, जो कि सभी अच्छे नहीं होते हैं। अगर आप ये मॉडल देख रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं। ये वाला मैंने भी एक दो पहले भी लिया था, लेकिन वो कोई काम का नहीं था, ये हमारा बहुत ही बेस्ट काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, इसके साथ ये मिल जाता है आप, जो कि पावर सप्लाई में लगा के इसको यह 5 वोल्ट यहाँ दे सकते हैं। यहाँ कुछ इस प्रकार से आप पावर सप्लाई में लगा देना है आपको ये, और यहाँ पे 5 वोल्ट यहाँ पे लगाने के बाद आपको ये बैटरी बूस्टर में करंट आ जाएगा। और यहाँ पे एक डाटा केबल भी दिया हुआ है कंपनी वालों ने, ये बॉक्स में ही डाटा केबल आया था, जो कि यहाँ से भी आप डायरेक्टली डाटा केबल में लगा सकते हैं। अगर आपके पास पावर सप्लाई मशीन नहीं है तो भी आप ये एडेप्टर में, जैसे चार्जर एडेप्टर में लगा के आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो हमें यूज इसको कैसे करना है, चलिए हम ये तो छोटे वायर होते हैं ये हम नहीं करेंगे दोनों, इसमें डायरेक्ट आप चार्जिंग भी लगा सकते हैं। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं या आप नया सीख रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ही बेस्ट होगा, ये आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने चार्जिंग में जैसे लगाया, यहाँ देखिए जैसे हम चार्जिंग में इसको लगाते हैं, यहाँ पे आपका लाइट LED जल जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि हमारा चार्जिंग कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको 5 वोल्ट कुछ करके आता है, तो 5 वोल्ट 0.14 ये DC करेंट देता है चार्जिंग। जैसे ही हम लगाए हैं, इसमें हमारा करंट आ गया हुआ है। अब देखिए हमें बैटरी कैसे चेक करना पड़ता है, तो यहाँ देखिए हमारे पास एक MI की बैटरी है, यहाँ आपको देख सकते हैं, यहाँ पे ओप्पो वीवो करके लिखा हुआ है, MI करके, यहाँ पे जैसे कि मैं बता दूँ आपको, यहाँ देखिए यहाँ पे ओप्पो लिखा हुआ है, वीवो लिखा हुआ है, कुछ चाइनीज में लिखा हुआ है, तो हमें नहीं देखना है। लेकिन यहाँ पर MI, ओप्पो, वीवो, और इसके बाद सैमसंग, लेनोवो, सभी तरह के इसमें दिया हुआ, सभी बैटरी जिक लग जाते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए, इसमें एक, यहाँ पर देखिए 18 लगे हुए, यहाँ देखिए 1 से लेकर 9 तक इधर है, और यहाँ पे देखिए 18, यहाँ 18 पूरे जिक हमें मिल जाते हैं, जो कि एंड्रॉयड फ़ोन में सभी में सपोर्ट हो ही जाते हैं। जैसे कि देखिए, हमको क्या करना है इसको चेक करने के लिए, आपको ऐसे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा ये कौन सा जिक लगने वाला है। अब किसी भी, जैसे मोबाइल आपके पास आते हैं तो उसे अगर बैटरी ख़राब है, अगर पिन ख़राब है उसके, तो आपको कैसे चेक करना है। अगर बैटरी ख़राब होगा तो यहाँ पे जैसे 0-0 है, 0 ही रहेगा, बिल्कुल भी शो नहीं करेगा। अगर आपका पिन ख़राब है तो यहाँ से आप बैटरी चार्जिंग करके अगर मोबाइल में डायरेक्ट ही उसे लगा के आप देख सकते हैं कि हमारा ये फ़ोन ठीक है और बैटरी में प्रॉब्लम या पिन में प्रॉब्लम है। तो उससे भी आपको यह बहुत ही काम का चीज़ है, अगर आपके लिए, अगर रिपेयरिंग करते हैं आप मोबाइल, तो आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेस्ट है, काम का चीज़ है ये। तो देखिए हमें कुछ इस प्रकार से, यहाँ देखिए जिक देख लेना है, थोड़ा हमें देख लेना है, और ऐसे अनुमान की साइज के हिसाब से हमें कौन सा लगना चाहिए, कुछ इस प्रकार से हमें जिक देख लेना पड़ेगा।
तो यहाँ पे हमने चेक कर लेना है हमको यहाँ 1 से 6 तक। तो चलिए हम ये हमारा अंदाज़ा मिला लेना है कि हमारा जैक जो है या तो मोबाइल के तरफ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें चेक करने के बाद यहाँ देखिए 6 नंबर जो है ये हमारा अच्छे से कनेक्ट हो रहा है। देखिए जैसे ही कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर लाइट जो हमारा ये ब्लू जल गया है। देखिए जैसे हम निकालते हैं इसको रेड लाइट है, अगर ये हमारा जैसे ही कनेक्ट होता है यहाँ पर देखिए ये हमारा कनेक्ट हो गया है बैटरी। तो जैसे हमारा बैटरी जो है 2.48 चार्जिंग है, लगभग हमारा जो बैटरी है वो चार्ज है। अगर बैटरी चार्ज नहीं होता तो यहाँ पे 0 दिखाता है, या तो कम चार्जर है तो यहाँ कम दिखाता है। ये बैटरी का जो एम्पियर देख रहे हैं ये वोल्ट है और ये बैटरी चार्जर का एम्पियर है। तो ये हमारा लगभग चार्ज है बैटरी। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से बैटरी चार्ज कर सकते हैं। अब बैटरी चार्ज करके जैसे मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे आप तो उसी प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि हमारा बैटरी ओके है और पिन ख़राब है। तो उससे भी ये जो बैटरी बूस्टर है आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, एक तो पहली नंबर ये अगर बैटरी डायरेक्टली अगर बैटरी बैठ गया है तो भी इससे आप बूस्ट कर सकते हैं। जैसे बैटरी बैठ गया हुआ है मोबाइल का तो ये जैसे ही लगाते हैं आप बूस्ट हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस पॉइंट एक है, अगर किसी मोबाइल का चार्जिंग ख़राब है, मान लीजिए ये वाले हमारे पास मोबाइल है इसका पिन पता नहीं चलता है कि ख़राब है क्या है, तो यहाँ से आप बैटरी निकाल के इसमें से यहाँ चार्जिंग करके लगा के और मोबाइल ऑन हो जाता है तो भी आपको पता चल जाएगा कि पिन ख़राब है या नहीं है, तो वो भी आपको कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से मैंने एक वीडियो बनाया था क्योंकि आपको बैटरी बूस्टर कौन सा लेना चाहिए, आप यही मॉडल ले ले आपके लिए बेहतर होगा। मार्केट में बहुत सारे मॉडल आते हैं लेकिन आपको ये देखना है कि यहाँ पे 18 पॉइंट दिया हुआ है और लगभग हमारा जो ओप्पो वीवो एमआई जो ज़्यादा रेगुलर सैमसंग जो चलते हैं वो हमारा लग जाना चाहिए बैटरी जैक। अगर वो नहीं लगता है जैसे एप्पल हो गया तो एप्पल बाई चांस फ़ोन आते हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे को चाहिए जो हमें ज़रूरत होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे यही वाला बैटरी बूस्टर ले जो आपका काम कर सके। तो जैसा कि ये मैं इसके साथ ही मैं रेट भी बता दूंगा, ये मुझे 750 रुपये का पड़ा है मार्केट में होल है, ताकि वहाँ से भी मेरा सामान आता है होलसेलर है। और ये मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ मुजफ्फरपुर बिहार में, तो यहाँ पे अप्सरा एक मेन मार्केट है। हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो भी है, वहाँ भी आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ तरह का थोड़ा छोटा मोटा वीडियो भी बना के रखा है कि आपको भी हेल्पफुल रहेगा। और उसमें आप कवर उवर लेना है, मोबाइल का पार्ट लेना है तो वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से मैंने आज के वीडियो में बैटरी बूस्टर के बारे में बताने वाला था, तो यही मैंने बताया और ये बहुत ही बेस्ट है, आप चाहे तो इसे ले सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा अगर कुछ कमेंट में, अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे मैसेज करें कमेंट करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपसे एक नए वीडियो मिलेंगे। ख्याल रखें अपना और अपने को। जय हिंद, वंदे मातरम।